हाय फ्रेंड्स, आज आप सीखेंगे एडवांस इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस जो आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे और इम्प्रूव के साथ साथ आपकी इंग्लिश को इफ़ेक्टिव बनाएंगे। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे, लेते हैं सेंटेंसेस। तुमने ये गिरा दिया, जब आपको किसी से कहना हो कि आपने ये गिरा दिया या तुमने ये गिरा दिया, तो यू ड्रॉप्ड इट, यू ड्रॉप्ड इट। मैं उसका भला चाहता हूँ या मैं उसका अच्छा चाहता हूँ। आई विश वेल फॉर हर, मैं उसका भला चाहता हूँ। आई विश वेल फॉर हर। भगवान का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। गॉड ग्रेस इज ऑलवेज विथ मी। हमें बुरी आदतें छोड़ देनी चाहिए। वी शुड गिव अप बैड हैबिट्स। वह उसके पास क्या मुँह लेकर जाएगा। विथ वाट फेस ही विल गो टू हिम। देखते ही देखते 6 बज गए। जब आपको कहना हो कि देखते ही देखते 6 बज गए, मालूम भी नहीं चला कब 6 बज गए। देखते ही देखते 6 बज गए। इट वॉज 6 इन नो टाइम। भगवान जाने ये किसने बनाया। God knows who made this। खाना अच्छी तरह चबाओ, chew food well। चादर बिछा दो, spread the bed sheet। बिस्तर लगा दो, make the bed। बाल की खाल मत निकालो, don't spilt hair। वह इतनी खूबसूरत है कि मैं उस पर फिदा हो गया। She is so beautiful that I fell for her। ये मेरे काबू से बाहर है। This is out of my control। This is out of my control। आग को जलते रहने दो, keep the fire on। तिलका ताड़ मत बनाओ, don't make a mountain of molehill। मैं तुम्हारी खटिया खड़ी कर दूंगा या मैं तुम्हारी वाट लगा दूंगा। आई विल सेट यू राइट, आई विल सेट यू राइट। भगवान जाने वे कहाँ हैं। गॉड नोज वेयर दे आर। फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। फ्रेंड्स, मिलते हैं इस तरीके के और भी इंटरेस्टेड वीडियो के साथ। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय।